एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अभी टाइम हो रहा सुबह के 9:30 और मौसम देख सकते हैं आप किस तरह का हो रखा, अंधेरा हो रखा बिल्कुल। अभी जैसे ऐसा लग रहा कि मॉर्निंग की 6 बज रहे होंगे। वाह ये देखो भाई, ठंड का मौसम बना हुआ लगातार, ऐसा ऐसी ठंड हो रही समय, मतलब पाँव नंगे पाँव हूँ और नंगे पाँव रह नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई पहाड़ में। अब मुझे आज बुकिंग में जाना है यहीं बगल के गाँव में डांडागेर में। तो भाई ऐसे में कैसे आज वहाँ मेहंदी है, कैसी होगी मेहंदी वहाँ पर। अभी मुँह धो के आया हूँ, अपना थोपड़ा थोड़ा सेट करके आया हूँ, बालों पर भी कुछ नहीं किया, इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा मुँह धो ही लेता हूँ, है ना। तो रिंकी जी क्या कहना चाहोगे आप इस ठंड के बारे में? मैम कैसे हो दोस्तों, कुछ तो बोलो। बढ़िया। अरे लोगों को बोलो। अरे हट जाओ। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने नींबू भी कुछ इस तरह से इनका सूप सूप बनाने के लिए रखा हुआ है। गर्मी में जब नींबू नहीं होता है तो उस समय ये जब सूख जाता है, एक दो इसकी ये निकालना है और फ्योंसी, और इनको पानी में रखना थोड़ी देर, और उसके बाद चटनी में पीस लेना है। तो नींबू का टेस्ट आता है उस चटनी में, तो इसलिए ये भी कुछ ऐसे करके रखे हुए हैं। देवाल से लाया था मैं ये नींबू। तो भाई मौसम के हाल तो ये है, बर्फबारी भी हो सकती है और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कल तक मेरी बुकिंग है वहाँ पर, तो सोच रहे हैं कि यार मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो हम भी आराम से काम करें, बाकी देखते हैं क्या होता है, है ना। मौसम तो बड़ा ख़राब है यार, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। बकबक तो कर रहा हूँ लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, क्योंकि ऐसे मौसम में सूट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और गाँव में होता तो बात अलग थी, लेकिन दूसरे गाँव में जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई खुशी की बात यह है, सुबह मैं रो रहा था कि मैंने बुकिंग में जाना और भगवान ने मेरी सुन ली और मौसम साफ भी हो गया भाई। 11:20 हो रहे हैं और मौसम क्लियर हो चुका है, तो भगवान के लिए मौसम ऐसा ही रहे भगवान कल तक। और ये देखो भाई मौसम अभी खुल चुका, और मौसम जब खुलता है धूप लगती है तो उसके बाद नज़ारा कुछ इस तरह का होता है पहाड़ों का। ये देखो आय हाय आय हाय, ये देखो यहाँ पर मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा किया जा रहा है। ये दादी जी हमारी, और अपने मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर रखा, जो स्टोर कर रखा उन्होंने उसको निकाल रहे हैं। और गाय भैंसों के लिए अब यही रहता है आजकल, जब ऐसी ठंड होती है तो यही वाला जो स्टोर किया हुआ चारा रहता है ये उनके काम आता है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, बर्फ़ के आसार बहुत ज़्यादा हैं, हवा ही चल रही बहुत ठंडी ठंडी। भाई मौसम ने मेरे साथ प्रैंक कर लिया, फिर देखो आसमान कैसा हो गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और फिर बिल्कुल अंधेरा हो गया। एक बार पूरा चमक गया था हमारा, भी देखो भाई मौसम बहुत खतरनाक परीक्षा ले रहा है मेरी। गाँव में भी कोई भी बाहर नहीं दिखेगा आपको, सब आग सेक रहे हैं अपने घरों के अंदर। ये देखो शाम के 5:50 हो रहे हैं और ये है हमारा गांव, इससे पल्ली साइड है, यहाँ से नहीं दिख रहा, ये केवल जो धार में होंगे ना वही वाले घर दिख रहे हैं। और मैं और ये कृष्णा जा रहे हैं वेडिंग सूट पे यहीं बगल के गांव में। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, मौसम बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है बहुत तगड़ी तरीके से, और सुबह से 10 नाटरम के मौसम में, कभी साफ कभी फिर अंधेरा, आपने देख लिया होगा। बाकी ऊपर की साइड भी पूरी बादल लगे हुए हैं। तो मेहंदी है जी आज, ऐसे में कैसे मेहंदी करेंगे हम लोग, देखते हैं। दूर तक जाना? अच्छा ओ, तो भाई देखते हैं क्या होता है, मौसम कैसे साथ देता हमारा। तो निकलते हैं सीधे वहीं जहाँ जा रहे हैं। कल की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बारिश आ गई थी, जिस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाए, पूरे भीग गए थे हम। उसके बाद निकल गए थे हम घर 12:30। तो भाई तीनों हम फिर आ चुके हैं डांडागेर में, यहाँ से बगल पे है गांव जहाँ पर हमने जाना शूट करने। अब बाकी यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा तो नहीं दिखेगा आपको, हाँ दिख रहा हल्का सा। तो ये है जी मेरा गाँव श्रीगढ़, और इसके जस्ट थोड़ा खड्डे में जैसे है हमारा गाँव, वहाँ पूरा गाँव नीचे तक, तो इतना ही दिख रहा अभी यहाँ से। और अभी जो मौसम बन रखा ना, हाँ ये देखो ऊपर कोहरा लगा हुआ, नीला आसमान या हरे भरे खेत। अभी बारिश के बाद पूरा क्लीन हो चुका है, यहाँ पर पहाड़ी पर देख सकते हैं आप किस तरह की बर्फबारी हो रखी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप पेड़ों के बीचों बीच, ये देखो पूरी बर्फबारी हो रखी है वहाँ भी, और यहाँ तो बहुत जगह बर्फबारी हो रखी है भाई। ये पूरा क्षेत्र देखो, यहाँ ऊपर भी बर्फबारी हो रखी है, यहाँ तक बर्फबारी हो रखी है देखो।
तो आज मौसम फिलहाल क्लियर है, ये देख सकते आप धूप आ चुकी है और हम भी रेडी हैं। भाई के पास कितने 2, 4, 6, 8 टायर वाली गाड़ी है भाई। हेलो भाई, भाई भाई इधर देखो भाई, बिग फैन भाई, 8 टायर वाली गाड़ी चला रहा है बंदा, वो भी गांव में। ज़्यादा नहीं बता पाया, एक तो बारिश ने बहुत परेशान किया, जब काम का टाइम था उस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और उसके बाद दूसरे दिन मैंने सोचा कि बारात का भी दिखाऊंगा, और बारात बहुत लेट पहुंची घर में, ये लगा लो 5:30-6 बजे पहुंची घर में, और 6:30-7:30 जयमाला हो रही थी, और लगा सकता आप विदाई कितने बजे हुई होगी शाम के, जबकि वनडे बारात थी, तो वैसे हो गया, फिर टाइम ही नहीं मिला इतने अंधेरे में, फिर बनाना भी क्या था, और उसके बाद 9:30 बजे करीब हम घर पहुँचे, तो बस यही था अपडेट, और घर आके थक गया था यार, तो वीडियो वाडियो का कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था, इतना थक चुका था मैं। तो भाई वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।